यू आर वॉचिंग एन बी रिव्यूज़, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। ओह यस मिस्टर कुरैशी, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक ठाक हो? गुड 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 यार, एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन इतने बिजी स्केड्यूल में, और उसके बावजूद योर हेयर, थैंक यू सो मच यार। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, हाउ इज योर फैमिली, कैसे सब लोग, खैरियत से सब? ऑल गुड यार, चलो माशाल्लाह। अच्छा यार, ये एक कैंपेन है जो हम कर रहे हैं, इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो रमजान के इस महीने में काफी लोग एक्टिव हो जाते हैं नेकियां करने के लिए और स्पिरिट्स काफी हाई होती हैं, तो व्हाट डज रमजान डू फॉर यू? क्या रमजान में किस तरह फील होता है इन चीजों के बारे में कि अच्छे अच्छे काम करने चाहिए? असल में देखो यार, आप जब किसी ऑफिस में काम करते हैं तो एक आध महीना ऐसा होता है जिसमें बोनस मिलना होता है, तो आप बड़ा दिल लगा के काम करते हैं कि शायद इस महीने आपको बोनस अच्छा मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने एक बकायदा बोनस का महीना दिया हुआ है, तो हर इंसान ये कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे। सो अगर किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आ जाती है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से लोगों को फायदा पहुंचता है, तो समझता हूँ कि बहुत अल्टीमेट मंथ है जिसको हम रमजान कहते हैं। सो इसमें हर इंसान की कोशिश होती है। और आप देखें, ऐसा मजे की बात ये, आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, आप, मैं खुद हूँ, हम जैसे और बहुत सारे लोग जो इस महीने में बे इंतहा जो है वो कोशिश करते हैं कि यार लोगों की आप मदद करें। और अनबिलीवेबली आपको खुद समझ नहीं आ रही होती कि कहां कहां से गैब से आपकी मदद हो रही होती है। और अगर आप किसी को बोल दें कि हमारी हेल्प करो तो बिल्कुल। आप किसी को बोलें या ना बोलें, मतलब आप ही अगर खुद किसी को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने लाख रुपए खर्च कर दिया इस महीने में लोगों की मदद के लिए, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास कहां से 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख आपके पास आ जाते हैं, और आप खुद ही जो है वो हैरत होते हैं। तो मतलब परवरदिगार भी भरपूर इस महीने में आपकी मदद करता है। तो वो तमाम लोग जो चैरिटी करते हैं इस महीने में, राहत लाने की कोशिश करते हैं या किसी भूखे को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यार बड़ा बड़ा अच्छा एफर्ट है यार ये मेरे ख्याल से आप वो 1+/3 है ये, कि आपको 4 गुना ज्यादा मिलेगा तो वो मिल रहा होता। जबरदस्त, ये तो है। अच्छा, जब अल्लाह ताला से एक कनेक्शन जोड़ने के लिए, जाहिर है वी ऑल हैव आवर ओन वेज टू प्रे, हमारा जो आप किसी भी मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, कोई और किसी मजहब को फॉलो करते हैं, उसका अपना एक तरीका है एक राबता खुदा से जोड़ने का। सो ये जो चैरिटी वर्क है या ये रमजान में जो काम हम करते हैं, डू यू थिंक दैट ये काम आता है अल्लाह से राबता जोड़ने में? यार मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है, और आप जब लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखते हैं, मैंने भी एक छोटी सी कोशिश शुरू की थी पिछले दिनों, कर रहा हूँ अभी इस महीने में कोई कम से कम 5-6 दफा और करूंगा, लॉकडाउन लग गया है लेकिन देखते हैं कि हम उसको किस तरह से परसू कर सकते हैं आगे। सो यू नो, हमने जब बच्चे बुलाए, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे उनमें क्रिश्चियंस भी थे, उनमें हिंदू भी थे, उनमें मुसलमान बच्चे भी थे, ठीक है, तो वो बच्चे इतनी अच्छा, देवर वेटिंग फॉर अजान, के अजान होगी तो हम फिर सबके साथ अफ्तारी खोलेंगे, देवर हंग्री बट देवर वेटिंग। तो टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि फैसल भाई वो देखें, वो हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं, बट दे आर वेटिंग, कि वो अजान का वेट कर रहे हैं कि अजान होगी तो फिर सबके साथ वो अफ्तार करेंगे। हम अपने जेस्चर्स में हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि जात पात कितनी बड़ी है, और अगर आप उससे बहुत सारी चीजें जब आप इंस्पायर होके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से, उनकी चीजों से जब आप देखते हैं, तो उसमें जो ह्यूमैनिटी वो बहुत ऊपर है सर। जो बहुत बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमारे मजहब में जितना ह्यूमैनिटी का बताया गया है शायद कहीं और सिखाया नहीं है, इतना ज्यादा ह्यूमैनिटी का जिक्र है। अच्छा, ये जो 100 बिलियन मील का फैसला, इसका मकसद ये है कि हम देखते हैं हमारे, ये तो वैसे तो ये यूएई से शुरू हुआ, लेकिन ये 20 ममालिक से ज्यादा ये लोग स्प्रेड करेंगे, इंशाल्लाह कर रहे हैं, और हर जगह दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों में भी एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ऑब्वियसली एक सीएसआर एक्टिविटी, तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी हर चैरिटी का, मैं आई नो, आई हैव सीन यू, आई हैव सीन ऑल द अदर एक्टर्स आल्सो, हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां भी कहीं हमारी एक बात कहने से किसी का फायदा हो जाए। तो डू यू थिंक जो 100 मिलियन मील्स अब सारे मुल्कों में आप अपने 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 लोगों को या दूसरे लोगों के लिए चैरिटी देके सबको खाना खिला रहे हैं और कोई भूखा ना रहे, तो ये क्या इनिशिएटिव, आपको क्या लगता है कैसा इनिशिएटिव है? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक आप देखें, मैं, आप या कोई भी, हम सारे ठीक है काम करते हैं, लेकिन इन द एंड जो मकसद है वो ये है कि आपको दो वक्त की अच्छी रोटी मिल जाए, ठीक है ना। ये दो वक्त की रोटी जो है ये इंसान को उसका मजहब तक भुलवा देती है, चाहे आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो। जब वो देखता है ना कि उसके उसका बच्चा जब भूखा है, कोई इंसान सोचो जरा, एक इमेजिन करो यार थोड़ी देर के लिए, उसका बच्चा भूखा है, उसके बच्चे के पास वो तड़प रहा है भूख से, और वो इंसान लाचार है, बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं खिला सकता अपने बच्चे को, क्या करेगा? वो कोई ऐसी चीज भी करेगा जो कि आपको हर चीज से फिर बाहर ले जाती है। भाई अगर कोई भूखे इंसान को आप रोटी खिला देते हैं तो कम से कम ये एक चीज का एहसास होता है, चलो मैं अब कम से कम कोई काम कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, उसके बच्चे घर पे भूखे नहीं रहेंगे। और मैं देख रहा था यार, इतना सस्ता अपने कहते हैं, इट्स अ 10 धर्म 10 मील्स यार, एक धर्म का एक मील है, विच इज नथिंग। करीब लाने में हेल्प करेगी, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, कुछ लोग दे रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, लेकिन सब एक प्लेटफॉर्म पे है। देखो बहुत, मैं इस चीज को ना मैं बड़ा वो करता हूँ कि आप लोगों को पैसे पकड़ा देते हैं ना सड़क के ऊपर, या मैंने देखा है कि लोग खाने फेंक रहे होते हैं, बच्चे लड़ रहे होते हैं, बड़े लड़ रहे होते हैं। सो ये बड़े प्रॉपर तरीके से लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है। और भी हमारे मुल्क में ऐसी कुछ एनजीओ हैं जो इस तरह से काम करती हैं कि दस्तरखान लगते हैं। बहुत ज्यादा काम होता है। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, और यही अभी जब ये हुआ है अपना क्या कहते हैं कोविड का दोबारा से जो लॉकडाउन हुआ है, सो हमें ये वाकई परेशान कि बहुत सारे लोग, जैसे बड़ी ईद होती है ऐसे, कितने लोग आप देखें कि उनको गोश्त खाने को मिलता है यार। इसी तरह से ये छोटी ईद है या रमजान है, इस पे अगर आप जितना भी लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं यार, ठीक है, दिल इतना इतना खुश होता है उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीजें करते हैं। ऑफ कोर्स यार, बिल्कुल सही है, ग्रेट। अरे यार, फैसल, बिफोर वी फिनिश दिस सेशन, के लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इतना लोग, यू नो, पीपल वॉच योर वर्क एंड दे लाइक रियली अमेज्ड दैट वी आर टॉकिंग, वी आर टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कुछ उनको पैगाम लोगों को जो देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो? या देखें, एक तो जो सबसे जरूरी चीज है तो इंसानियत का दामन थाम के रखें यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बरतर होना या इस चीज का गुरूर करना कि आपने कोई कमाल कर दिया है या आप
एक ऐसे घराने में पैदा हो गए हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं ये वक्ती हैं, जो बरतर है वो सिर्फ एक ही जात है, उसमें बेशक बेशक दूसरी राय नहीं है। बेशक एक ही जात है जो सबसे बरतर है। एक सेकंड नहीं लगता यार, एक सेकंड नहीं लगता। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, पूरी दुनिया कोई इतनी बातें करती थी, क्या हुआ? कोई उस वो सिर्फ कोविड, बातें, उनका कोई वो मकसद नहीं है यार, कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। ट्रू, आई एक एग्री आई क्या एग्री। सब होश में आ गए कि अच्छा ये है, लेकिन उसके बावजूद भी होश के नाखून नहीं ले रहे। सो प्लीज 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 अपने आप को किसी से बर्तर ना समझें। ये तो हमारे कुरान पाक में लिखा है, थोड़ा सा इंसानियत का दामन बिल्कुल सही, अच्छी हम लोगों बात को है फैसल। वंडरफुल उस यार, पर। वंडरफुल सेशन, एंड आई फील अ लॉट ऑफ पीपल विल लिसन टू इट। और इंशाल्लाह जो हमारा मकसद है वो मकसद ये यार कि हमारी जात से किसी को फायदा। फैसल, आई रियली वांट टू थैंक यू यार कि मैं निकाल के बोला था कि मेरी बहुत ऐसी नेचर है कि मैं कभी, मुझे बुरा लगता है कि मैं किसी को, किसी का टाइम ले रहा हूँ, या मैं किसी को बोल रहा हूँ कि CSR एक्टिविटी में हिस्सा ले। बट यू गाइस हैव बीन सो सपोर्टिव मैन, थैंक यू यार। एंड आई होप कि जो आप लोगों की जितनी दुआएं सब पूरी हो यार। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ सब लक फैसल। सबके और अल्लाह पाक सब पे आसानियां भी पैदा करे, जो इस आमीन वक्त सबसे आमीन इम्पोर्टेंट चीज है। सब दुआ करें आमीन प्लीज। आमीन ऑफ कोर्स। चलो, यू टेक केयर मैन, थैंक टेक केयर, सी यू सून यू, इंशाल्लाह। ओके थैंक यू। यारा, थैंक्स ब्रो, थैंक यू।